सो हाय फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जनवरी और फरवरी का मैं करंट अफेयर्स और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसका एक कंपाइल्ड वीडियो बना चुका हूं। अब मार्च की बारी है, पर थोड़ा सा चेंज करा है मैंने। कंटिन्यूस अब मार्च अप्रैल इस तरह से आएगा। मैंने एक वीडियो मार्च का नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, ऑलमोस्ट एक घंटे के आसपास, तो देखने में इनकन्वीनियंस होती है। तो इससे उसको छोटे पार्ट में ब्रेक करके मैं एमसीक्यूज कवर करूंगा और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज किया ताकि एक क्वेश्चन के बहाने काफी और क्वेश्चंस कवर हो जाएं आपके। ठीक है, तो मार्च को स्टार्ट करते हैं। ये मार्च का पार्ट नंबर वन है, पार्ट नंबर टू नेक्स्ट डे। ऑलमोस्ट डेली हम यहाँ पे मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह राणा, इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए पहले सवाल के पास जाते हैं। हर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 seconds लेंगे, आप सोचिएगा, फिर उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सोचिए 5-7 seconds, फिर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैड मेजॉरिटी स्टेक्स इन NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और ONGC। सोचिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च के करंट अफेयर्स का। चलिए, द आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए BPCL एक्चुअली नुमालीगढ़ आसाम में है और वहां पे एक रिफाइनरी है। उस जो कंपनी है, मतलब बेसिकली एक सिंगल रिफाइनरी कंपनी है नुमालीगढ़, उस कंपनी में भारत पेट्रोलियम का स्टेक ऑलमोस्ट 61% था, जो अब उन्होंने बेच दिया है। सो दैट्स द न्यूज। अब थोड़ा रिफाइनरी का बता दूं मैं आपको। ये आप असम में लोकेशन देख सकते हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी का, जिसमें पहले मेजोरिटी स्टेक भारत पेट्रोलियम का था। अब क्या हुआ, न्यूज बताऊंगा मैं आपको। ये एक फोटो आप देख सकते हैं उस रिफाइनरी का, और इनके पेट्रोल पंप भी होते हैं। जनरली आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, BPCL, SPCL, IOCL और रिलायंस वगैरह के, इनके भी पंप थोड़े कम है शायद असम साइड ज्यादा होंगे। तो ये उसके एक पंप का फोटो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है। चलिए, अब खबर क्या है वो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, BPCL भारत पेट्रोलियम का स्टेक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें लगभग 61.65% था। ठीक है, अब BPCL ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपना सारा स्टेक बेच दिया है। अब उसे खरीदे किसने खरीदा वो देख लीजिए। अप्रॉक्सिमेट 61% अप्रॉक्सिमेट याद कर लो, बहुत एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है। ये स्टेक BPCL ने NRL में बेच दिया, और खरीदा किसने? सबसे ज्यादा शेयर खरीदा है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, जिसके पास कुछ शेयर पहले भी था, अब उन्होंने कुछ और ले लिया है। इसमें से अराउंड 54% पॉइंट समथिंग होता है, अप्रॉक्सिमेट याद कर लो, अराउंड 54% ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खरीद लिया है। फिर लगभग 4.4% शेयर, 4.4% शेयर खरीदा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है। ये दोनों कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से। और जो बाकी अराउंड 3 point something शेयर बनता है, 3.2%, वो असम गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया था कि भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करा जाएगा। भारत पेट्रोलियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक अराउंड 51-52% के आसपास है, तो उसको बेचने वाले हैं। तो उससे पहले BPCL के लिए जरूरी था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अपना स्टेक वो बेच दे, वरना प्राइवेटाइज कैसे होगी, क्योंकि एज पर द डिसीजन NRL पब्लिक कंपनी ही रहेगी पर BPCL प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो उनको अलग होना बहुत जरूरी था, जो हो चुके। ठीक है, अब बहुत जल्दी मुझे लगता है BPCL के लिए भी मतलब बायर को ढूंढा जा रहा था, जल्दी से वो भी मटेरियलाइज होगा। तो समझ गए बात, NRL पहले भी पब्लिक थी, अभी भी पब्लिक है। ठीक है, पहले सबसे हाईएस्ट स्टेक BPCL का था, अब वो बेच दिया है, जिसमें से बेचने में सबसे ज्यादा स्टेक किसने खरीदा है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने। ये खरीदने के बाद OIL का स्टेक NRL में लगभग 80% हो जाता है। तो अब करंट सिचुएशन में ये बेचने के बाद NRL में हाईएस्ट स्टेक किसका हो चुका है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, और बाकी EIL और असम बेसिकली सब पब्लिक कंपनीज है। ठीक है, सो दैट्स द न्यूज। इससे बेसिकली एक स्टेप मान सकते हैं आप टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ भारत पेट्रोलियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेसल विच हैज ऑल वेमेन क्रू। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मैरिटाइम हिस्ट्री, तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तो हमें उस वेसल का नाम बताना है जहां पे ये ऑल वेमेन क्रू गया था, एंड द आंसर इज स्वर्ण कृष्णा। ये एक वेसल है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो 6 March को फ्लैग ऑफ किया था वर्चुअली, मनसुख मंडाविया जी हैं शिपिंग मिनिस्टर, उन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था, और इस ये JNPT से निकला था, जो मुंबई में पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहां से निकला था ऑल वुमेन क्रू, और ग्लोबल दुनिया की मैरिटाइम हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। ठीक
ठीक है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, और इसलिए भी कि 8 मार्च को आप जानते हैं कि वर्ल्ड वुमेन डे होता है, वुमेन्स डे होता है, तो उसके भी उपलक्ष्य में टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन दिस फील्ड, तो और फैक्चुअली भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो स्वर्ण कृष्णा वेसल का नाम था, कंपनी का नाम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना डायमंड जुबली मना रहा है, 60th ईयर ऑफ फॉर्मेशन, और मिस्टर एच के जोशी ये CMD हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, एच के जोशी। फोटो आप देख सकते हैं, जो ऑल वुमेन क्रू है। ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। चलिए आगे चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए दो सवाल स्पोर्ट्स के, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वन द स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट 2021, जो अभी स्विट्जरलैंड के बेसिल शहर में हुआ था। बैंकिंग में आपने बेसिल नॉर्म्स के बारे में सुना होगा। खैर, कौन जीता? कैरोलिना मैरिन, इनका फोटो आप देख सकते हैं, इन्होंने जीता था। द फाइनल वॉज बिटवीन कैरोलिना मैरिन एंड जो इंडिया की पीवी सिंधु हैं, बट सिंधु हार गई और उन्हें सिल्वर मेडल ही मिला और गोल्ड मिला कैरोलिना को। शी इज अ स्पैनिश प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट्स की फील्ड से। और एक और सवाल स्पोर्ट्स की फील्ड से, जो मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 हुई थी रोम में जो चल रही थी, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? एंड द आंसर इज, देखिए अब यहां पे मैं ध्यान दीजिएगा, देर आर टू आंसर्स। जो मैन का 65 kg वाला कैटेगरी थी, उसमें बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल, और जो वुमेन के 53 kg कैटेगरी थी, उसमें विनेश फोगाट ने जीता। तो दोनों नाम पता करने पड़ेंगे आपको। बजरंग पुनिया का फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया आंसर, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ठीक है, क्लियर बात। साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क किसने एस्टैब्लिश किया था? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली दे विल बी वॉलंटियर्स जिनको रिक्रूट करा जाएगा, इन्वॉल्व करा जाएगा, ताकि साइबर क्राइम रोके जा सके और एक साइबर हाइजीन को बढ़ाया जा सके। तो ये वॉलंटियर्स भी एक तरह की टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि साइबर क्राइम पे कंट्रोल करा जा सके। ये फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इनिशियली मैंने सोचा था कि क्वेश्चन सिर्फ मैन वाली कैटेगरी का है, तो इसलिए मैंने फोटो इन्हीं का लगाया, तो विनेश फोगाट जी का फोटो लगाने से भूल गया। चलिए आगे चलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक कॉमन एंटिटी बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी। संसद टीवी के सीईओ का नाम बताना है। एंड द आंसर इज मिस्टर रवि कपूर। ये काफी और मिनिस्ट्रीज में पहले भी रह चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, एक सूर्य प्रकाश कमेटी थी, मिस्टर सूर्य प्रकाश वॉज मतलब वो हेड चेयरमैन थे प्रसार भारती के। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई मर्ज करो, और मर्जिंग पूरी हो चुकी है। नए सीईओ का नाम आप देख सकते हैं, मिस्टर रवि कपूर, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके दो होंगे, संसद टीवी 1 और 2, और दोनों हाउसेस का यहां पर टेलीकास्ट होगा। रीजन बहुत सारे हैं, फायदे बहुत सारे हैं। फाइनेंशियल सेविंग होगी, मल्टीपल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज का जो डुप्लीकेशन होता है वो भी बच जाएगा, और एज अ कॉमन एंटिटी यहां पर एफिशियंटली काम हो पाएगा। ये कुछ रीजन उस कमेटी ने दिए थे, सूर्य प्रकाश कमेटी ने। चलिए, मागुरी मोटापुंग वेटलैंड किस स्टेट में है? एंड द आंसर इज ये असम स्टेट में है। असम स्टेट में है। ध्यान रखिएगा, एक मैंडरिन बर्ड होती है और वो लगभग 118 ईयर्स बाद दोबारा देखी गई। पहले शायद 1902 में देखा गया था, उसको दोबारा स्पॉट करा गया है मागुरी मोटापुंग वेटलैंड में। ये आप देख सकते हैं मैंडरिन बर्ड। और एक और कारण से इंपॉर्टेंट है, जो न्यू, एक तो मैंडरिन बर्ड यहां पर दोबारा साइट हुई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रीजन, ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही बाघजन है, जहां पे कुछ महीनों पहले जो गैस वेल लीक हुआ था, तो तब भी काफी कमिटीज बिठाई गई थी कि भाई उस लीक से कहीं ये वेटलैंड इफेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, तो तब भी काफी न्यूज में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के सवाल। तो वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, कल अगला वीडियो आ जाएगा, तो कंटिन्यूस कंटेंट आएगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिएगा वीडियो, अगर पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो थोड़े शॉर्ट वीडियो और कॉन्सेप्ट में आया हूं, ताकि यू नो एकदम से बहुत लेंदी चीजें ना हो, छोटे छोटे हिस्सों में, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे हम लोग कवर करेंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, अच्छी बातें भी जो लगी और जो भी क्रिटिसिज्म है वो भी मोस्ट वेलकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में कल मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर।